नवरात्रों के प्रथम दिन जहां सोलन शहर पूरी तरह से भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आया, वहीं शहर के सभी छोटे बड़े सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में माता के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सोलनी माता मंदिर सहित अन्य मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। नवरात्रों के चलते सोलनी माता मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 होमगार्ड के जवान सोलनी माता मंदिर में तैनात किए गए हैं। लोग अपने मन की मुरादें पूरी करने सोलनी मैया के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोलनी माता सारे सोलन की माता है, सोलनी मैया के दर से आज तक कोई भी खाली नहीं गया। लोगों का मानना है कि जो मुराद सोलनी मैया से वह मांगते हैं वो हमेशा पूरी होती है। आज पहला नवरात्रा है, माता सोलनी के दरबार में सभी लोग लाइनों में लगकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी लोग लाइनों में प्रसाद की थाली और उसके साथ खड़े हैं, और सोलन शहर के ऊपर माता सोलनी की इतनी कृपा है कि सभी लोग इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रॉपरली लाइन में खड़े होकर यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम हर साल यहाँ नवरात्रे में हर 6 महीने बाद जो नवरात्रे होते हैं, हर 6 महीने बाद नवरात्रों में कीर्तन भजन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी सोलनी नगर में आता है माता उनकी मनोकामना, कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं रहता, और सोलनी माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और सबको गले लगाती है, अपने गोद में बिठाकर उनका पालन करती है। माता के नवरात्रे जैसे देखो कितनी भीड़ है यहाँ, देखो माँ सोलनी की मंदिर में, और 7 दिन ये ऐसे ही रहेगा, और कल तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप ऊपर तक लाइन जाएगी। और मेन बात है माता सब मनोकामना पूरी करती है, और मैंने 7 नवरात्रे रखे है और मैं डेली आऊंगी। हम यहाँ पर सोलनी माता मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ पर बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हम अभी अभी दर्शन करके आए हैं।